Hello everyone, welcome back to the 247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show. So in this particular show, we are going to discuss about some of the important MCQs which are related to the Saturday and Sunday. Okay, so just like this session, we will begin then. Okay, so आप यहाँ पर session को like कर सकते हैं, उसके बाद हम session को शुरू करेंगे. आज का जो मैंने आपके लिए quote रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, it is prove them wrong. Who are them? ये them है कौन? ये वो सब लोग हैं जो trust नहीं करते आपके ऊपर और आपकी capability के ऊपर. These are those persons who does not trust you or even your capabilities. You can trust yourself and you know how capable you are. Okay? So you don't need to prove anything to anyone. Just prove them by your actions. जो भी आप अपना prove करना चाहते हो अपने आप को, just prove them wrong. जो भी लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो भी लोग आपके को कम समझते हैं, if they think that that you can't clear any examination, you can't do anything in your life, just ignore them. आपको क्या करना है, बस उनको इग्नोर करना है. यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. आपको जो याद रखनी है लाइफ में, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. ओके, सो यू हैव टू आंसर हियर, विच डे, कौन सा दिन जो है वो हम मनाते हैं कैसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की तरह. पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5th June. 5th June जो है अभी आने वाला है, आपको पता है उस दिन हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं. लास्ट ईयर इट वॉज 43rd एडिशन. लास्ट ईयर क्या था, 2018 में 43rd एडिशन था. जो लास्ट ईयर जो थीम रहा था वो था बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन. ओके, लास्ट ईयर द मेन फोकस वॉज ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइम बीट द एयर पोल्यूशन, बिकॉज द मोर फोकस इज ऑन द एयर पोल्यूशन दिस टाइम. इस टाइम का थीम बीट द एयर पोल्यूशन हो सकता है. लास्ट ईयर जो होस्ट कंट्री थी वो इंडिया थी एंड लेट्स सी अब की बार होस्ट कंट्री कौन सी होती है. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आने वाला है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2nd. सो Here is the next question. Name the song that has been launched by Santa to aware regarding air pollution. To create awareness regarding air pollution. Air pollution जो हो रहा है, आपको पता है वायु प्रदूषण जो है उसके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पर एक सॉन्ग लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. यहाँ पर सॉन्ग का क्या नाम है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. यहाँ पर जो सॉन्ग का नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हवा आने दे. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है. देखो, ये सॉन्ग लॉन्च किया गया है इन रिस्पेक्ट टू द अपकमिंग एनवायरमेंट डे. ओके, सो हमारा 5th June का एनवायरमेंट डे जो आने वाला है उसी के रिगार्डिंग सॉन्ग को यहाँ पर लॉन्च किया गया था. सॉन्ग में जो मेन फीचर्स हैं वो कौन हैं, फीचरिंग कैरेक्टर्स हैं, वो अक्षय कुमार हैं. अक्षय कुमार ने इसमें रोल प्ले किया है. यहाँ पर राजकुमार राव भी हैं, कपिल शर्मा भी हैं, मतलब सारे ही काफ़ी सारे यहाँ पर एक्टर्स हैं. गाया किसने है, शान ने गाया है, शान एंड सुनिधि सैंग द सॉन्ग. ओके, सो शान और सुनिधि जो हैं उन्होंने इस सॉन्ग को गाया है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए. सो हमारा जो आंसर था वो बी था. अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे. सो यहाँ पर आपको पता है सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनका पोर्टफोलियो यहाँ पर चेंज हो चुका है. सो प्रकाश जावड़ेकर, हु वॉज अर्लियर द एचआरडी मिनिस्टर, इज नाउ द एनवायरमेंट मिनिस्टर एज वेल एज ही इज़ द फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ INB इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ओके, सो प्रकाश जावड़ेकर हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भी वही हैं. ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रख लेंगे. 5th June को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं. सॉन्ग को जो फीचर किया था वो अक्षय कुमार ने फीचर किया है. इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. हमारी एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है उसने इसको लॉन्च किया था. नेम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु विल प्रेजेंट द यूनियन बजट दिस टाइम ऑन 5th June. इस बार 5th जुलाई को जो यूनियन बजट आने वाला है उसको प्रेजेंट करने वाली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को जो बन गई है उनका क्या नाम है. देखो, अरुण जेटली जी तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, बट अभी वो मिनिस्ट्री है किसी और को मिल गई है, उनका क्या नाम है. सो निर्मला सीतारमन इज द करेक्ट आंसर हियर. शी हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वो इंडिया की फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं एंड शी इज़ द फर्स्ट फीमेल टू डू सो. आपको ये पता होना चाहिए कि वो पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है इंडिया की जो फुल टाइम में रही हैं. ओके, सो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ निर्मला सीतारमन. निर्मला सीतारमन जी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है. सो द आंसर विल बी कर्नाटका.
Her constituency is Karnataka, but she belongs to Andhra Pradesh. So these were some of the things. अब यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन पे निर्मला सीतारमन जी को चुना. अगर आपको पता हो इससे पहले जो निर्मला सीतारमन जी के पास मिनिस्ट्री थी वो थी डिफेंस मिनिस्ट्री, बट बिफोर दैट शी वॉज गिवन द कॉमर्स मिनिस्ट्री. शी वॉज कॉमर्स मिनिस्टर. इससे पहले क्या थी, वो कॉमर्स मिनिस्टर थी. इसलिए उनको फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसलिए उनको फिर से यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई है. एज वेल एज शी इज अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, शी इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस पोजिशन. ओके, सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट अनाउंस लॉन्च ऑफ ए न्यू मिनिस्टर, व्हाट इज इट्स नेम. यूनियन हमारा जो कैबिनेट है उसने नई मिनिस्ट्री का यहाँ पर लॉन्च किया है, और उस मिनिस्ट्री का क्या नाम है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है. यहाँ पर जो उस मिनिस्टर का नाम है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज जल शक्ति. सो जल शक्ति इज द न्यू मिनिस्ट्री दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मर्जिंग टू मिनिस्ट्रीज. व्हाट आर दोज टू मिनिस्ट्रीज, वो दो टू मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं जिनको मर्ज करके यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई है. द फर्स्ट इज वाटर रिसोर्सेज एंड द सेकंड इज ड्रिंकिंग वाटर. ओके, सो दे आर टू मिनिस्ट्रीज, वन इज वाटर रिसोर्सेज एंड सेकंड इज ड्रिंकिंग वाटर, जिनको मिलाकर जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दी गई है. ओके, सो अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर है तो आप यहाँ पर सेशन को लाइक भी कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन हिट द लाइक बटन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ पीएम किसान स्कीम. पीएम किसान स्कीम जो है उसका एक्सटेंड किया गया है, ये आपसे यहाँ पर बताया गया है. यू हैव टू टेल मी व्हाट डज एस मीन्स इन किसान. किसान में जो एस का मतलब है वो क्या है, दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पर. सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, किसान में जो एस का मतलब है वो है सम्मान. दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म, फुल फॉर्म इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दैट इज पीएम प्रधानमंत्री किसान. के आई स्टैंड फॉर किसान एंड एस ए स्टैंड फॉर सम्मान एंड एन स्टैंड फॉर वॉट, निधि. सो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इज अ स्कीम जस्ट टू हेल्प द फार्मर्स इन देयर फील्ड. ओके, so this is the next question. You guys share your score out of 5 here. Who headed the committee that submitted the draft national education policy to the HRD ministry. आपसे यहाँ पर पूछा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड एक वहाँ पर कमेटी बनाई गई थी, उसको किसने हेड किया, जिसने अपनी जो रिपोर्ट है वो HRD मिनिस्टर को यहाँ पर सौंपी है. अब यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चन हो सकते हैं, फर्स्ट Who headed the committee? Second is who is the HRD minister right now? HRD minister Prakash Javedkar ji थे, लेकिन अभी उनके position पर कोई और वहाँ पर appoint किए गए हैं, उनका क्या नाम है. Do you have to answer me both these questions? So यहाँ पर जो हमारा answer है वो option number B है, that is Dr. कस्तूरी रंगन. ओके, सो डॉक्टर कस्तूरी रंगन इज द करेक्ट आंसर. यश, यहाँ पर हमारे HRD minister कौन है, न्यू अपॉइंटेड HRD minister इज रमेश पोखरियाल. ओके, रमेश पोखरियाल जो है वो हमारे HRD मिनिस्टर बन चुके हैं. इससे पहले वो क्या रह चुके हैं, वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं. ओके, सो ही इज़ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड एज वेल एज ही इज़ राइट नाउ द HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ रमेश पोखरियाल, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. यहाँ पर अगर आप सेशन ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है रमेश पोखरियाल जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है. सो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर रिप्लेसिंग द राजनाथ सिंह. राजनाथ सिंह जो है उनको रिप्लेस करके हमारे गृह मंत्री दैट इज होम मिनिस्टर कौन बन गए हैं. सो हु हैज़ बिकम द होम मिनिस्टर हियर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेजिडेंट ऑफ BJP अमित शाह. अमित शाह को अभी दे दिया गया है गृह मंत्रालय. इससे पहले गृह मंत्रालय किसके पास था, राजनाथ सिंह के पास था. राजनाथ सिंह को अभी कौन सी यहाँ पर मिनिस्ट्री दी गई है, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है. ओके, राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है जो सबसे इससे पहले किसके पास थी, निर्मला सीतारमन जी के पास थी. सो यू हैव टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से याद रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state government has waived admission fee of students whose parental income is less than 2 lakh per year? जिन students के parents 2 लाख रुपये से कम कमाते हैं उनकी फीस को वहाँ पर वेव कर दिया गया है, माफ़ किया गया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ आसाम. यहाँ पर आपको आसाम स्टेट याद रख लेना है. आसाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है. ओके, सर्बानंद इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम एंड द गवर्नर इज जगदीश मुखी. ओके, सो आई कैन नॉट राइट नाउ ऑन द बोर्ड. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस इज सर्बानंद सोनोवाल एंड दिस इज जगदीश मुखी. ठीक है,
सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द MD एंड द CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. सेकंड क्वेश्चन फॉर यू इज हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उनका जो नाम है वो है सचिन बंसल. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. सचिन बंसल क्या है, डायरेक्टर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की. अब यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है. ओके, सो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर किसका है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का है. MD का नाम क्या है, समीत घोष है. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. अगर आपसे डायरेक्टर पूछा जाएगा तो आपको सचिन बंसल बताना है, अगर आपसे यहाँ पर MD पूछे जाएंगे तो आपको समीत घोष बता देना है. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज सचिन बंसल इमेज. ये सचिन बंसल की इमेज है जो डायरेक्टर हैं. इससे पहले वो किससे रिलेटेड थे, वो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड थे, बट ही इज नाउ रिलेटेड टू द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज बीन वन बाय इंडिया एट द ISSF वर्ल्ड कप 2019. अभी तक इंडिया ने ISSF वर्ल्ड कप जो है 2019 में हो रहा है उसमें कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं. यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 5 गोल्ड मेडल्स. 5 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं ISSF वर्ल्ड कप 2019 में. अब यहाँ पर बात सुनिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो है वेन्यू का. वट इज़ द वेन्यू ऑफ ISSF वर्ल्ड कप 2019. सी ISSF वर्ल्ड कप 2019 इज़ बिंग हेल्ड इन डिफरेंट फेजेज. ये डिफरेंट फेजेज में हेल्ड किया जा रहा है. यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट फेज जो इसका हुआ था वो कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ था. इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. जो कब हुआ, फेब में हुआ था. फेबरी में जो ISSF वर्ल्ड कप का फेज चला था वो कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था उसके इवेंट. सेकेंड जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था, बीजिंग चाइना में हुआ है. थर्ड जो यहाँ पर हो रहा है वो कहाँ है, म्यूनिक इन जर्मनी. दिस इज़ द थर्ड फेज. और इसके बाद जो फोर्थ फेज होने वाला है वो कहाँ पर होगा, रियो डी जनेरियो में होगा. ठीक है, रियो डी जनेरियो में होने वाला है फोर्थ फेज. उसके बाद एक फाइनल फेज हो जाएगा जिसमें कंप्लीट रिजल्ट, कंप्लीट विनर्स को यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा. तो आपको वेन्यू से रिलेटेड कन्फ्यूजन नहीं रखना है माइंड में. फरवरी में कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था. अप्रैल में हुआ था बीजिंग चाइना में. जर्मनी, म्यूनिक जर्मनी में अभी चल रहा है. इसके बाद कहाँ पर होगा, अगस्त में होगा रियो डी जनेरियो में. उसके बाद फाइनल रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा. तो अभी तक इंडिया में जो इंडिया ने जिसमें मेडल्स जीत लिए हैं गोल्ड मेडल, दे आर टोटल 5 गोल्ड मेडल्स हैज बीन वन बाय द इंडिया. ओके, सो यू हैव टू एडजस्ट विद द हैंड राइटिंग हियर. ओके, सो आई हैव नो पेन्स हियर, आई एम जस्ट राइटिंग दिस विद माई जस्ट माई फिंगर्स. ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ यूनाइटेड नेशंस डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. यूनाइटेड नेशन की डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बना दिया गया है. यहाँ पर देखिए जो आंसर हो जाएगा उसके साथ आपको बताना है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया, इट इज़ इन न्यूयॉर्क. हेड कौन है यूनाइटेड नेशंस के, एंटोनियो गुटरस हैं. यहाँ पर जो आंसर है वो है अनीता भाटिया. दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर. उनका इमेज भी देख लेते हैं. She is the Deputy Executive Director of what? United Nations, and her name is Anita Bhatia. ओके, सो आई होप ये वाली चीज़ आप याद रख लेंगे. यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. PM मोदीज नेशनल डिफेंस फंड स्कॉलरशिप असिस्टेंस स्कीम, ये जो स्कीम है इसके अंडर आपसे पूछा गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स को कितने पैसे दिए जाएंगे. जो भी वहाँ पर आर्मी से, डिफेंस से रिलेटेड पर्सनल हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा. तो कितना अमाउंट दिया जाएगा बॉयज़ को और कितना गर्ल्स को दिया जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2200 विल बी गिवन टू द बॉयज़ एंड 2500 रुपीज़ will be given to the girls. Okay, so I hope ये वाली चीज़ आप याद रख लेंगे. It is related to the defense scheme, defense fund scheme से ये related है amount. आज का हमारा final question देख लेते हैं. US President Donald Trump announced tariffs on all goods of which country to curb the immigration. जो country में लोग illegally आ जाते हैं उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि हम एक पर्टिकुलर कंट्री के कोई भी गुड्स जो है उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पर ऐसा करने वाली कंट्री कौन सी है. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ. इसका आंसर जो है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के नीचे, और जो इसको अच्छे से आंसर करेगा विद कैपिटल एंड करेंसी वी विल पिन अप दैट कमेंट. ओके, हम उस कमेंट को पिन अप करेंगे, सबसे अलग दिखाएंगे. ओके, सो देखते हैं वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अच्छे से इसका रिप्लाई करने वाला कौन बनता है. ओके, तो दिस वॉज अ टूडे सेशन. आज सेशन में टोटल 13 क्वेश्चंस कवर अप किए, और यू हैव टू अटेंड दैट 4 PM क्लास जो क्वेश्चन लेने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड टू द 200 बेस्ट MCQs फ्रॉम मे मंथ. आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं.
उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन हियर. ओके सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.